गाइस नमस्ते, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो साल का पहला वीडियो होने वाला है, तो आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो मैं 31st को शूट कर रहा हूँ, तो पता नहीं कल तक आ जाना चाहिए, और आ गया होने से बहुत अच्छा बात है। ये 31st मनाना पड़ेगा, एडिटिंग भी करना पड़ेगा। वीडियो बना रहा हूँ और मेरे साथ है बीजू। एक्चुअली इसका नाम बीजू है, लेकिन ये राज रखता है, और इसका लिप्स में कुछ हो गया था इसलिए मास्क ढक के रखा है। एक बार दिखाना एक बार तो ऐसा होके रखा है। और यहाँ पे नामसाई से मोनू भी आया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सोचा है इन्जॉय कर लेगा, और मोनू पार्लर में जाके थोड़ा स्पा उस्पा करेगा बोला है, तो चलो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। कितना काम धाम करेगा ना, ये देख सकते हो नज़ारा। वाव कितना सुंदर, मस्त है ना। जो भी हो वीडियो देखते रहो और लाइक का अभी नहीं बोलूँगा, देना है तो दे देना। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और वीडियो आगे देखते रहो। चलाओ एक हाथ से यहाँ करते हुए एक आदमी ने पैसा दिया है और बोला है कि मेरा वीडियो देखता हूँ बोला, और उसका बेटी भी बहुत बड़ा फैन है बोला है। बहुत कम मिलता है ऐसा आदमी इसका दुनिया में। नहीं यार, अचानक से आके मोनू को पैसा थमा रहा था, हम लोग चौंक गए, अरे क्या हो रहा है बोल के। तुम देख रहा मैच में खिला रहा हूं। हां चल 3 2 1 तुम पहले खिला दो सही दोनों खिला चले मत खिला और खिला हम लोग सैलून जाते हुए मोनू का बाल को डॉक्टर को दिखाना है, इलाज कराना है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. रुक रुक के थक गया, अब यहीं पे सोने वाला है। एक्चुअली हमने कल रात को सोया भी नहीं। कल कितना बजे हमने सोया था? 2 बजे हाँ, दो सोते सोते 3 बज गया था, क्योंकि एक घर का इनोग्रेशन था और हम लोग वहाँ गए थे, थोड़ा मस्ती उस्ती हुआ, और मैं पापा को स्टेशन पिकअप करने गया था 4:30 ना। हाँ सुबह बाइक चला चला के काम काप के गया था, तो नींद पूरा नहीं हुआ है। हाँ क्योंकि मैं ही चला रहा था, और अभी इधर मोनू के लिए रुक रुक के डैमेज हो रहा है, नींद आ रहा है। इतना देर हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, उसका ख़त्म ही नहीं होता है। ये लगाता है, क्या क्या लगाता है बाल में अपना बाल में, ये क्रीम वो क्रीम, क्या क्या लगाया जा रहा है, और डैमेज हो गया, भूख लगा हुआ है, इतना पतला और भी पतला हो जाएगा। वाओ गाइस, 2 घंटा लगाया ये आदमी ने, देखो ये बाल के लिए इतना गंदा गन मार रहा है। और इधर आना बसंती, इधर आना आना बसंती, और फिर ला नहीं अभी लास्ट छूने दो ना, थोड़ा सा ऐसे 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 छूएगा। वाओ छूओ, वाओ वाओ इतना शाइनिंग कर रहा है, गन मार रहा है लास्ट करके ऐसे करके। वाओ चमक गया, इधर आ। वाओ पूरा शाइनिंग कर रहा है। एक बार रुको, और इस साइड रुको। हाँ वाओ गाइस दिखाई दे रहा है, देखो लीपा पोती करने क्या है। एक्चुअली आज 31st है ना, और कल 1 तारीख है, तो वही हम लोग कुछ नहीं करते। 3 घंटे के बाद ये लोग बाहर निकल रहे हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं, और अभी हम लोग जाएंगे कुछ खाने। भूख लग रहा है साथी, भूख लग रहा है, वाओ ये मालाबार मेरा फेवरेट। यहाँ खाना आते हुए चिकन कब देगा, उसके अंदर रहेगा चिकन, ये पता नहीं कौन सा देश का प्राणी है, माथे पे एक टीना लगा के रखा है। हमने खाना खा लिया, डर ही लगता है इसको देखने से। ये भी चीटिंग है, डर ही लगता है, ये भी चीटिंग है। एक चीटिंग डर ही लगता है। पहले डायलॉग हम देता है, उसके बाद मेरा डायलॉग ये चीटिंग करता है, तुम झूठ बोलता है। उसके बाद ये आपका डायलॉग बना लेता है, खाना बना पानी 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 खाना। तारीफ कर देना ना फिर भी। ओके हम लोग निकल रहे हैं, आजा 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 भेजो, जल्दी पहुंचो फटाफट।
ये सब देख सकते हो। वाओ वाओ काफी समय बाद हम लोग एक साथ मिले। वाओ और सानु भाई कैसा है? तो गाइस ब्लॉग में ट्विस्ट आ गया, मोनू का हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है तो वो बोला कि आज पार्टी नहीं होगा, मतलब हमारे साथ 31st नहीं मनाएगा, वो घर पे रेस्ट करेगा बोला। तो बेचारा 3-4 दिन से थका हुआ है, तो हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया हो कि चलो, तो वो बेचारा रेस्ट कर रहा है। और अभी मैं हूँ नाहर लगन में, सानू भाई के लिए मैं रुक रहा हूँ, और बिजू गुस्सा होकर चला गया। वो हमारे लिए रुक रहा था लेकिन मैं सानू भाई के लिए रुक रहा था, लेकिन उसी बात का गुस्सा होकर चला गया। तो थोड़ा बाद में हम लोग मना लेंगे, कुछ ही देर बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं नाहरलगन से। कहाँ पर? ईटानगर। अभी रात के हो चुके हैं 8:35 और अभी हम पेट्रोल पंप के आसपास है, देख सकते हो। और अब भी हम नाहरलगन से ईटानगर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ऐसा था कि मोनू नहीं जा रहा था तो हम सोचे अकेला निकलने के लिए, फिर कैसा कैसा क्या क्या हुआ इधर उधर 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 होकर फिर मोनू को मनाया हमने, पर वो अभी हमारे साथ ही है। कहाँ पर वो इंसान, वो देखो वो उधर 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 बैठा हुआ है। तो अभी हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं, पेट्रोल भर रहा है स्कूटी में। बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। चलो आगे हेलमेट चेक हो रहा है और सानू भाई लोग का हेलमेट है नहीं, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक्चुअली हेलमेट हमने भूल गया, मतलब भूला नहीं, मिला नहीं, गया हो गया हेलमेट। ये देखो ये रास्ता में, ऐसा करते हैं हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? देख लेते हैं उसका, देख लेगा। तो बिस्तर ही ना। ओके तो गाइस वहाँ सच में चेकिंग हो रहा था और हमने अपना बुद्धिमानी बुद्धि दिमाग लगा के हम सच में उसको क्रॉस कर गए। मनोज के पास सिर्फ हेलमेट था और हमारे पास था नहीं, तो सानू भाई के पास भी हेलमेट नहीं था और वहाँ चेकिंग चल रहा था, तो हम जैसे तैसे करके आगे पीछे बढ़ गए और मैं हेलमेट को वापस लेके आया बैग के अंदर भरा के, और फिर मैं सानू भाई का स्कूटी लेके, क्योंकि सानू भाई के पास लाइसेंस नहीं था, तो मैं उसका स्कूटी पे आके मोनू को लेके मैं गया, पार्क किया। हम कानून का रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वो खिलाफ है, लेकिन कभी कभी हो जाता है यार, गलती से भूल गया तो क्षमा करें, माफ़ कर दें। पहुँचने वाले अभी ईटानगर पहुँच ही गए, कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे, बीजू के घर। ठंडा वाला सफर के बाद हम बिजू के घर आ चुके हैं, कैसा लग रहा है हम लोग को देख के? तुमको देख के तो बहुत गंदा फील, मतलब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मेरा वजह से उसको हमेशा टॉन टॉन के लेके आया, ये नौटंकी है। हां तो यहां में आने के लिए कितना, यहां पे हम लोग क्या-क्या पापड़ बेलाए? बहुत सारा पापड़ बेलाए आने के लिए। यहां में आते-आते हम लोग का तेल भरा है, तेल खत्म हुआ है रास्ता में, और हेलमेट चेकिंग, दरवाजा बंद करना, लाइसेंस चेकिंग वगैरह, तब भी लेकिन हम लोग आ गया, बहुत चतुर बुद्धि लगाया है। तो गाइस आगे देखते रहो, अभी फटाफट हम लोग थोड़ा हल्का छोटा मोटा पार्टी करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, कल से उठेंगे, फिर इसका अभी हम मारेंगे। चलो बाय। तो गाइस 12 बजने वाला है और अभी टाइम हो चुका है, एक मिनट टाइम हो चुका है, 11:59 हो चुका है। और ये नियम क्या लिखे है? आए हैं तो बजा के जाएगा ना। हां गाइस ग्रुप का मेंबर रुका है। हां चलो वीडियो में जाने, पीछे में भी है वो। ओ है ना, हां इधर बाबू भी है ना। सन 12 बज गया, बज गया, सर्चिंग फॉर अ लॉन्गर डे, पीपल फीलिंग लाइक द लाइट हैज जस्ट कम, we must never stop the way, yeah, but it's jumping.
famous meal maker style. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. रात के बज चुके हैं 12, एक्चुअली 12 से ज़्यादा हो गया. तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर. ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप लोग ये साल बहुत ही अच्छा जाए. जैसे 21 बीता है वैसे 22 ना बीते, ये बहुत ही अच्छा जाए. और यहाँ देख सकते हो सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं. और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए. थैंक यू सो मच और हैप्पी न्यू ईयर सबको. वाओ वाओ ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये साल 2022 आपके लिए बहुत अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो, ऐसा प्रे कर दो. और ऐसे दुआ करो कि ये नहीं प्लीज. थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. बने रहो, ये ब्लॉग का एंड शायद कल सुबह होगा, तो बने रहो. अभी थोबड़ा को जाके साफ करना है. तो बाय बाय. गुड मॉर्निंग. अच्छा हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. आज सुबह के बज चुके हैं 10:44 और हम अभी उठे हैं. उठने के साथ साथ मम्मी का 4 मिस कॉल. दोस्त लोग का तो दुनिया भर का था, लेकिन मम्मी का 4 था. डर लग गया. इसके बाद मैंने कॉल बैक किया. कॉल बैक करने के बाद इतना सुनाया मम्मी ने. नया साल में सुन लिया और साल भर सुनते रहेगा. अच्छा, जो भी हो गलती अपना ही है. घर मत ना, उधर रह जा बोला है, तो हम थोड़ा चावल चावल लेके रखना पड़ेगा. मम्मी बोला है घर मत आना, उधर ही रह जा बोला है. तो जो भी हो, माँ का प्यार है, जाने से थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ही. डर भी लग रहा है. और ब्रश नहीं था, ब्रश खरीद लिया कि इसका घर में ब्रश तो है नहीं. तो उसके बाद अभी हम जाएंगे. पता नहीं चेहरा का भरता बन के बैठा होगा, ये आदमी ब्रश कर रहा है. ये रात को ही निकलेगा बोल रहा था, अभी उठा है 11 बजे. जो भी हो वीडियो देखते रहो. और ये मेरा चीटिंग कर लिया. देखो मैं इस दुनिया में ये क्या क्या करना पड़ता है पता नहीं. क्या करोगे इतने पैसे गाइस. तो दारू फ्रेश होके उसके बाद घर चले जाऊंगा और ये वीडियो आज ही आ जाएगा. हम रेडी हो चुके हैं, फिटफाट हो चुके हैं. यहाँ देखो ये लोग सो रहा है अभी भी. सानू भाई अभी कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे. ब्रेकफास्ट घर पे ही जाके करेंगे क्योंकि अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ हम लोग. बस चेहरा धोया, जाके नहाना भी है. गुड मॉर्निंग आप सभी को, नया साल मुबारक हो आप सभी को. आशा करता हूँ, ऐसी दुआ करता हूँ कि आपका साल बहुत अच्छा जाए. कोरोना 2 साल हमारा ख़त्म कर चुका है, बहुत लोगों का रोजी रोटी छीन लिया है, लेकिन ऐसी दुआ करता हूँ कि वो चीज़ सब लौट के आ जाए, सब लोग ठीक हो जाए, कोई बीमार ना पड़े, सब खुशी रहे, कोई झगड़ा ना करे, सब मिलजुल कर रहे. हम दोनों कोई तरह कोई किसी का हक ना मारे. क्या मारे? हक ना मारे. ओ. जो जितना डिजर्व करते हैं उसे उतना मिले. कोई किसी पे अत्याचार ना करे. जो जो लोग मेहनत करते हैं उनको फल मिले मिले. ऐसी दुआ करता हूँ और आप लोग भी अच्छा अच्छा दुआ कर दो और सबके बारे में अच्छा अच्छा ही सोचो, क्योंकि ईश्वर आपको वही देता नहीं, है. सोचो मत, सोचो मत के बारे में. सोचते हो के लिए सब सबके बारे में अच्छा सा कर्म करो. सोचो मत, सोचो. सोचना बहुत बड़ा बात है क्योंकि बहुत लोग सोच नहीं सकता है ना. सब लोग एक दूसरे को टेंशन तो हर कोई सोचता ही है. करके देखो, कर्म करो, धर्म नहीं. वही एक दूसरे को सपोर्ट करो. बोलते तो हर कोई कहते रहते हाँ तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, तेरे लिए वो, ये सब बोलना बंद करो, करने के लिए शुरू कर दो बस. अभी कुंदन लोग जा रहे हैं यहाँ पर और ये लोग आके बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी इन्जॉय किया है. तो ये लोग अभी निकल रहे हैं, बहुत समय भी बहुत लेट हो चुका है. तो हम लोग का पिकनिक भी है आज. लोग जूता पहन रहे हैं तो ये लोग निकलेगा. फिलहाल मनु सो रहा है, वो थोड़ा देर में जाएगा. तो अभी कुंदन निकल रहे हैं. तो कुंदन को कल पार्टी में आके कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. और
इतना पार्टी के इतना मस्ती किया कि सुबह के 10 बजे उठा है, उठने के साथ साथ ही मम्मी से गाली सुने, गाली सुने, अभी जाने के बाद मार भी खाएगा। नया सर जा रहा है, चलो जाओ हम जाते वाला वीडियो बना देते हैं। कैमरा को रखो ना, बाय। गाइस हम निकल चुके हैं घर के लिए नहर लगन के लिए और नजारा देख सकते हो, वाओ। गाइस स्कूटी बहुत गंदा हो चुका है तो अभी धुलाना पड़ेगा। चलो फटाफट धुला, टाइम नहीं है, यहाँ जल्दी निकालना पड़ेगा। ये यहाँ है नार लगन और यहाँ है ईटानगर, हम ये साइड से आए हैं और हमें जाना है यहाँ। To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. ओके गाइस मैं पहुंच गया अपने घर और थोड़ा दिखा बाद में देखना क्या वीडियो आएगा। तो गाइस घर पहुंच गया हूँ मैं, तानो भाई ने मेरे को घर पे छोड़ दिया, मतलब तो घर के पास छोड़ दिया। अब मैं घर पे जाऊंगा, थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाऊंगा। तो सफ़र यहीं तक था, वीडियो यहीं तक था, वीडियो यहीं तक और है कल के लिए और है पिकनिक। अब पता नहीं कल के लिए घर वाले जाने देंगे या नहीं, क्योंकि आज मैं टाइम लिमिट क्रॉस कर दिया है मेरा, मतलब 7 बजे तक मेरे को घर पे आना था लेकिन अभी बच गया है। टाइम कितना हो गया सानू भाई? 12:27 हो गया। तो जो भी हो आज घर पे पढ़ने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा पढ़ा है या नहीं कितना ज़ोर से पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ठोक देना और ख़राब लगे तो डिसलाइक दे देना और सब्सक्राइब कर देना। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर, बाय बोलो।